तो सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल्स पे। सभी छात्र छात्राओं को यहाँ पे एक बड़ी अपडेट मैं दे रहा हूँ, ठीक है? तो वीडियो को पूरी देखना, और जो नए छात्र छात्राएं मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए एडमिशन्स को लेकर, मेरिट लिस्ट को लेकर, किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी को, तो आपको हमारे चैनल से जुड़ना है, हमारे परिवार से जुड़ना है। और साथ में देखो, कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है एडमिशन्स को लेकर, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, उसमें भी हम पूरी तरीके से जो है छात्रों की मदद करते हैं। तो छात्र हित सर्वोपरि, तो आपको हमारे चैनल से जुड़ना है, ठीक है? तो अभी हम जो है समर्थ पोर्टल्स पे आए हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड की समर्थ पोर्टल्स पे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले कुछ बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? कुछ बड़ी अपडेट मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, वो देख लेते हैं। वो हम यहाँ पे जो अपडेट दे रहे हैं ओके करके सभी अपडेट यहाँ पे देख लेंगे और बात करेंगे इन सभी कोर्सेज़ में एडमिशन्स लेने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम उत्तराखंड जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इस बार करवाया गया, ठीक है? तो एक बार हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पे जो 5 वर्षीय, ये तो एलएलबी का आपका, ठीक है? ठीक है, एलएलबी का भी है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो डेट है वो देख लेते हैं। तो देखो एलएलबी का, अगर आपको एलएलबी जो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, या फिर आपको एलएलबी 3 साल का, या एलएलएम 2 साल का, अगर आपको इन कोर्सेज में एडमिशन लेना, ठीक है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी एंड SSJ यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा, इन 3 यूनिवर्सिटी से जितनी भी एफिलेटेड गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज हैं, मेन कैंपस है, अगर आपको इन 3 यूनिवर्सिटी में से किसी भी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में एडमिशन्स लेना है, कोई भी कैंपस है, से DSB कैंपस है, या श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, SSJ अल्मोड़ा का जो मेन कैंपस है, या इनसे एफिलेटेड कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, LLB 3 साल का, LLB 5 साल का, या LLM का 2 साल का, तो देखो यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो रहा है इसका, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो रहा है उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड LLB LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम्स ये है। इसमें देखो, इसमें जो इन्होंने डेट है वो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 20 जून रखी है, 20 जून रखी है, और फीस जमा करने की लास्ट डेट 21 जून रखी है। 27 जून को इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स करवाया जाएगा, ठीक है? बहुत कम टाइम है, आज 19 तारीख है, कल जो है फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। तो जिन छात्र छात्राओं ने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है, अगर आपको इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो इस कोर्सेज के एडमिशन लेने के लिए इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हो रहा है, उसकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के फॉर्म की लास्ट डेट है 20 जून यहाँ पे रखी गई है। 20 जून तक आपको इसका फॉर्म फिल कर देना है। 21 जून यहाँ पे जो क्या है फॉर्म फिल करने की, जो है फीस सबमिट करने की इसकी लास्ट डेट है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, LLB 3 साल का, LLB 5 साल का, और LLM में, ठीक है? इस वीडियो में मैं आपको LLB के बारे में ही फोकस कर देता हूँ, क्योंकि LLB के बारे में इसलिए फोकस करेंगे क्योंकि इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है वो आपका 27 जून को होना है, और फॉर्म फिल करने की जो डेट है इसकी भी वो 20 जून यानी कल है, ठीक है? तो एक बार इसका हम वॉचर्स देख लेते हैं। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया, 3 यूनिवर्सिटी हैं आपके, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी और SSJ अल्मोड़ा। इसमें फ़ीस की बात कर लेते हैं। जो देखो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका फ़ीस है जनरल और OBC EWS के लिए 1500 का है, और बाकी कैटेगरी के लिए 1000 रुपये का है। देखो शोभन सिंह जेना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा में, यहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर, 2 एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए गए, एक तो अल्मोड़ा में है और एक पिथौरागढ़ में बनाए गए हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के लिए 3 सेंटर बनाए गए, नैनीताल, हल्द्वानी और काशीपुर, और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड के लिए 2 बना रखे हैं, एक ऋषिकेश में और दूसरा गोपेश्वर में, ताकि किसी भी छात्र छात्र को कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। सिलेबस में मैं आपको डिटेल्स बता दे रहा हूँ। सिलेबस में LLB 3 साल का जो पाठ्यक्रम है, या LLB 2 साल का जो पाठ्यक्रम है, देखो LLB जो 3 साल का होगा, ठीक है, जो LLB 3 साल के जो है कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए जो पेपर आएगा 100 नंबर का पेपर आएगा, जिसका जो है जो समय है 1.5 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पेपर जो आएगा वो जनरल नॉलेज,
और लैंग्वेज से आपका आएगा, जनरल नॉलेज और लैंग्वेज से। जनरल नॉलेज में आपके पास में 50 क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है, और 50 क्वेश्चन लैंग्वेज के। जनरल नॉलेज के जो 50 क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपका देखो जो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह है इससे आएगा, जनरल नॉलेज आपका होता ही है। और लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक लैंग्वेज चूज़ करेंगे आप, उसमें से आपका क्वेश्चंस आएगा। प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 25% मार्क्स प्राप्त करने पर ही अभ्यर्थी। तो देखो यहाँ पे एक इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, 25% आपको लानी है क्वालिफाई होने के लिए। अगर आप 25% नहीं लाएंगे तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, तो आप अगर क्वालिफाई नहीं होंगे तो आपको एडमिशन्स में वो मेरिट लिस्ट जो भी लगेगी उसमें काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस है LLB 3 साल वालों के लिए। क्लियर हो गया? अब LLB जो 3 साल के लिए कौन करवा सकता, कौन फॉर्म फिल कर सकता है, जिसने कि UG अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर दिया हो, ग्रेजुएशन कर दिया हो न्यूनतम 45% मार्क के साथ में, जो जनरल कैटेगरी के हैं, OBC 42% के साथ में और अन्य कैटेगरी के 40% के, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी 3 साल का जो LLB प्रोग्राम्स है उसमें कौन अप्लाई कर सकता है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी है। और जो फाइनल ईयर के हैं अभी, जिनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये एक रेगुलर कोर्स है, ये आपको बता दें, एक रेगुलर कोर्स है। कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि भाई हम डिस्टेंट मोड पे करेंगे, तो ये प्राइवेट कोर्स या डिस्टेंट मोड में नहीं है, रेगुलर कोर्स है। तो यहाँ पर आपको डेली अटेंडेंस यहाँ पर आपकी लगेगी, तो अटेंडेंस के बेस पे आपको यहाँ पर जो भी है प्रैक्टिकल्स वगैरह में जो मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। ये तो 3 साल का है। अब हम अगला यहाँ पे जो है देख लेते हैं। LLB 3 साल का जो प्रोग्राम है उसमें सीटें कितनी हैं, तो शोभन सिंह जीना जो परिसर है अल्मोड़ा, उसमें देखो सरकारी जो सीटें हैं वो 100 सीटें हैं और सेल्फ फाइनेंस की 50 सीटें हैं। सेल्फ फाइनेंस क्या होता है? सेल्फ फाइनेंस का मतलब उसमें जो फीस होगी वो थोड़ा आपको ज़्यादा रहेगी, ठीक है। कुमार यूनिवर्सिटी में देखो, कुमार यूनिवर्सिटी जो नैनीताल से एफिलेटेड जो कॉलेज हैं उनमें कितने कॉलेज हैं आपका, एक तो पहला देखो सत्येंद्र चंद्र कॉलेज, लॉ कॉलेज काशीपुर है, इसमें 60 सीटें, ये सारी सेल्फ फाइनेंस की हैं, ये सारे सेल्फ फाइनेंस की हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, सारे सेल्फ फाइनेंस के हैं, ठीक है। उधम सिंह नगर में, हल्द्वानी में, रुद्रपुर में है, काशीपुर में है, खटीमा में है, तो ये सारे कॉलेज हैं, ठीक है। सीटें आप देख रहे हैं 120 120 180 सीटें भी हैं। बाकी जो LLB 5 साल का है इंटीग्रेटेड, उसके लिए 12th पास वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करेंगे, और जो LLM है उसके लिए जिनका LLB कंप्लीट हो चुका है वो LLM में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो LLM है उसके लिए, तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। और कल इसकी जो है फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। अगर आपको देखो LLB LLM करना है तो आप इसका फॉर्म फिल करेंगे, और फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है कल 20 जून यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही है फॉर्म फिल करने में, तो नंबर शेयर किया हुआ है मैंने अपने यूट्यूब पेज पे, वहाँ से आप उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।